हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका SBG चैनल में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं MP ITI के एडमिशन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, MP में ITI का एडमिशन होना स्टार्ट हो चुका है। जो 10th पास आउट स्टूडेंट होते हैं वो ITI में एडमिशन ले सकते हैं। जिन्होंने 10th को पास कर लिया है वो ITI में एडमिशन ले सकते हैं। ITI में एडमिशन किस तरह से लेना है, कब से स्टार्ट हो गया इसका प्रोसेस और कब तक इसकी लाइटें रहने वाली, सब कुछ हम देखने वाले इस वीडियो के माध्यम से। नया ITI प्रवेश चालू हो चुका है। ITI की एडमिशन हम कह सकते हैं काउंसलिंग है, जो 2021 की स्टार्ट हो चुकी है। इसका नोटिस भी आ चुका है, जैसा कि आप साइड में स्क्रीनशॉट भी देख पा रहे होंगे। दोस्तों इसकी जो अंतिम तिथि है यानी कि 19 जुलाई, आप 19 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। कैसे आवेदन करना है मैं सब कुछ इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। तो ITI से रिलेटेड हर एक अपडेट पाने के लिए आपको क्या करना है, ओनली SBG चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, जिससे ITI से संबंधित हर एक जानकारी आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ITI कि सबसे पहले हम ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुके हैं। ये MP ITI का ऑफिशियल पेज है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। MP ITI स्किल डेवलपमेंट मध्य प्रदेश का जो ऑफिशियल पेज है, अगर आप MP ITI में प्रवेश लेना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले इस वेबसाइट पर आ जाना है। इसका जो डायरेक्ट लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, डायरेक्ट आप इस वेबसाइट पर आ सकते हैं। यहाँ पर आपको क्या करना है, ITI काउंसलिंग सबसे फर्स्ट वाली लिंक पर आपको क्लिक करना है। यहाँ से हम ITI काउंसलिंग की फर्स्ट वाली लिंक पर क्लिक करते हैं। ओके, तो जैसे ही हम इस लिंक पर क्लिक करेंगे, हमारे सामने इसका नया जो कि इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा और यहाँ पर आपके सामने पूरा डाटा दिखाई देने लगेगा। तो आपका जो स्टार्ट डेट, एंड डेट, सब कुछ आपके सामने दिखाई देगा। दोस्तों, ITI की ऑनलाइन काउंसलिंग और इसकी जो स्टार्टिंग डेट है, कब से स्टार्ट हो गए हैं, इसके रजिस्ट्रेशन होना और ITI में किस तरह से प्रवेश लिया जाता है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो ITI में प्रवेश लेने के लिए दोस्तों, MP ITI में प्रवेश लेने के लिए सबसे पहला जो नियम होता है हमको रजिस्ट्रेशन कराना होता है। MP ITI की वेबसाइट पर जाकर के, ओके, ITI की वेबसाइट पर जाकर के रजिस्ट्रेशन कराना है। उसके बाद चॉइस फिलिंग करानी है। चॉइस फिलिंग कराने के बाद में, ये सब प्रोसेस कराने के बाद में, आपकी जो क्या होता है, आपकी एक मेरिट लिस्ट निकाली जाती है। मेरिट लिस्ट में अगर आपका नाम आ जाता है तो आपका ITI में सिलेक्शन हो जाता है। तो इसका जो रजिस्ट्रेशन करने का जो डेट है वो 9 जुलाई से स्टार्ट हो चुका है। सॉरी, जो रजिस्ट्रेशन का डेट है दोस्तों, वो 3 जुलाई से स्टार्ट हो गया है और रजिस्ट्रेशन की जो अंतिम तारीख है वो 19 जुलाई है। तो दोस्तों, रजिस्ट्रेशन को किस तरह से करना है मैं कंप्लीट वीडियो बना चुका हूँ, लगभग 20 से 25 मिनट का वीडियो। उस वीडियो में मैंने आपको अच्छे से प्रोसेस समझाया है, उस वीडियो को कंप्लीट देख लीजिए। रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड सारे डाउट एक बार में ही आपके जो कि समाप्त हो जाएंगे। ओके, इसके बाद में आपको क्या करना होगा, आपको चॉइस फिलिंग करनी होगी। रजिस्ट्रेशन करने के बाद में आपको 2 नंबर पर चॉइस फिलिंग करनी होती है। चॉइस फिलिंग की स्टार्टिंग डेट हो चुकी है 9 जुलाई, 9 जुलाई से स्टार्टिंग हो चुकी है और 19 जुलाई लास्ट डेट रहने वाली है। यानी कि MP ITI की सब चीज़ों की जो लास्ट डेट रहने वाली है वो कितनी रहने वाली है दोस्तों, वो रहने वाली है 19 जुलाई। यानी कि 19 जुलाई तक आपको अपना पूरा प्रोसेस कम्प्लीट कर लेना होगा। तो दोस्तों, 19 जुलाई तक आप रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, 19 जुलाई तक आप चॉइस फिलिंग कर लेना है आपको। चॉइस फिलिंग का वीडियो जल्दी से आपको जो कि आज ही आपको यूट्यूब पर अपलोड करा दिया जाएगा चॉइस फिलिंग का, तो चॉइस फिलिंग से संबंधित सारे डाउट भी समाप्त हो जाएंगे। और रजिस्ट्रेशन का वीडियो अपलोड करा दिया गया है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। यहाँ पर जो आई कार्ड होता है वहाँ पर भी, आई बटन वहाँ पर भी आपको लगा दूंगा। ओके दोस्तों, उम्मीद कर रहा हूँ जानकारी समझ में आ गई होगी। तो MP ITI से हर एक अपडेट को पाने के लिए अब SBG चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है। काफ़ी टाइम से यूट्यूब पर ITI से रिलेटेड वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था, लेकिन आज से आपको डेली ITI से रिलेटेड हर एक अपडेट मिलती रहेगी SBG चैनल पर। ओके दोस्तों, तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जाना है जाना। इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पर जाना है जाना फॉलो कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।